हाँ दोस्तों, कैसे हैं? लाइव मार्केट है और 26/6/2019 का आज तारीख है और अभी टाइम हो रहा है, आप देखेंगे 11:17। यस बैंक का अपडेट लाया था। यस बैंक में थोड़ी सी मूवमेंट आपको ऑलरेडी दिख रही है, मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है 150 के टारगेट के लिए। आप आराम से इसमें कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। फिर भी पहले भी बाइंग थी मेरी, अभी भी बाइंग है। आपको इसमें जो स्मॉल जब आए, छोटा छोटा रेशियो है, तो वहाँ पर आपको बाय करना है। अगर ये वापस आपको 90 पे मिले तो 40%, और वापस आपको अगर यहाँ पे भी बाय करना है तो आप 20% कर लीजिए। 90 के पास 40% और बाकी 40% अगर 80 के आसपास जाता है तो वहाँ बाय कर लें। मीन्स तो आपको 40, 20 के आसपास बाय करें, लेकिन बाइंग रिकमेंडेशन लॉन्ग करने का रिकमेंडेशन है। लॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए आप इस अपने फंड एडवाइजर से ही बात कर लें। सिर्फ 111.20 रुपये का CMP चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है। और अब अगर इसके 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश पट्टी, यहाँ पे फॉल 3 क्रॉस का फॉल हो चुका है और यहाँ के बाद आप स्ट्रेंथ लेके ऊपर जा रहे हैं। तो ये पहला आपको इमीडिएट अभी अगर आपको 115 क्रॉस करता है तो वापस आपको अभी 130 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा 116-117 के आसपास जो भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा और उसको क्रॉस करते ही फिर भी आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट 112.75-114 रुपये के लिए तो कर ही सकते हैं। इसका ये शॉर्ट टर्म छोड़ दीजिए, आप इसको एक बार लॉन्ग टर्म के लिए इक्वायर चालू कर दीजिए। उसका क्या कारण है ये देखिए, डाइवर्जेंस आपको दिखा रहे हैं। वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो RSI में देखिए ये ऊपर की ओर डाइवर्जेशन है और ये नीचे की ओर है, और जब भी इसका पैटर्न है ये रिवर्सल पैटर्न होता है, रिवर्स स्विंग करता है। मतलब स्ट्रेंथ जो है वो अब अपसाइड है, सेलिंग जो है वो 100 वाजी है। तो कहीं ना कहीं जो ये रिवर्सल पैटर्न है ये आपको अपट्रेंड आराम से दे सकता है, और ये एक यहाँ तक 219-220 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म से एटलीस्ट 1 से 1.5 साल में आपको 220 का टारगेट आपको इसमें मिल सकता है। RSI का जो रिवर्सल पैटर्न है, सिर्फ इसके लिए मैं इसको लेके आया था, अभी वीडियो लेके आया था, और लग रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न जो फॉलो हुआ है ये आपको काम दे सकता है। तो यस बैंक पे लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ एक इंटीमेशन है, RSI का रिवर्सल पर, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है रिवर्सल का। इसके लिए वीकली बेसिस पे है, ये टाइम लेगा। ये आप देख रहे हैं वीकली बेसिस पे इस ओरिजिन को लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप 2018 तक था और आज 2019 चल रहा है, अप्रैल 18। आप यहाँ पे 24/9/2018 था, तो यहाँ से 6-7 महीना, तो एटलीस्ट आपको साल भर का टाइम लीजिए। यहाँ से रिवर्सल वापस आपको दे, अच्छा खासा रेट आपको यहाँ से 60-80% का रिवर्सल आपको यहाँ से मिल सकता है। 190 का टारगेट पहली वीडियो में मैंने दिया हुआ है, तो वो आपको आराम से अचीव होते हुए आपको दिख सकता है। यस बैंक पे पॉजिटिव व्यूज है, आप इस पर देखें तो न्यूज ही डेली, अब न्यूज आना चालू कर दिए हैं। डेली बेसिस पे भी देखें तो एक यहाँ पे जो लोअर लो का फॉर्मेशन था ये अभी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है 108 पे, और अपसाइड लेने के इसमें चांसेस है। और ये फॉल बहुत कंटिन्यू हो चुका है, तो अब केवल मेरे अंदाज से जो है फॉल 100 बाजी हो रही है। तो यस बैंक पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये टेक्निकल डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अगर ये आप पकड़ते हैं किसी भी शेयर में तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रिटर्न देकर जाएगा आपको। टेक्निकली बोल रहा फंडामेंटल अभी क्या न्यूज आएगा उससे कोई लेना देना नहीं, टेक्निकली ये बता रहा है, और टेक्निकली ज़्यादा अच्छा काम करता है कोई भी शेयर चीज़, फंडामेंटल के कंपेरिजन में टेक्निकल ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आप इसको मान के चलिए कि आपको 150-190 की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा इसमें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।